क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? स्नूप गेट कांड पर कपिल सिब्बल का मोदी परिवार, महिला जासूस कांड की जांच हुई तो मोदी होंगे बेनकाब। अरविंद केजरीवाल की जुबान फिर फिसली, कहा कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना खुदा और देश से गद्दार। मोदी के दोस्त कहने पर भड़के अहमद पटेल, दोस्ती साबित करने पर किया राजनीति छोड़ने का वादा। मोदी ने एक इंटरव्यू में पटेल को बताया था अच्छा दोस्त। अबू असीम आजमी ने दिया विवादित बयान, कहा जो मुसलमान सपा को वोट ना दे उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को और ज्यादा सशक्त बनाने की पहल की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सेबी को किसी भी व्यक्ति के कॉल डिटेल निकालने का अधिकार होगा। हालांकि व्यक्ति की जो अपनी ख्याल रखने पर भी कोर्ट ने यहां पर जोर दिया है। स्टॉक बाजार में हो रही धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सेबी को यह अधिकार देने की मांग काफी पुरानी है। दरअसल भारतीय टेलीग्राम अधिनियम के मुताबिक सिर्फ सेबी, ईडी और डीआरआई को ही यह अधिकार दिया गया है। जाहिर है अब सेबी की ताकत में इजाफा होगा। अमेठी में केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे। कुमार विश्वास के चुनाव प्रचार में अमेठी पहुंचे केजरीवाल ने तो यहां तक कह डाला कि जो कांग्रेस और बीजेपी को वोट करेगा और वो जो है खुदा और देश से गद्दारी करेगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी राहुल गांधी को हराना चाहती है तो स्मृति ईरानी को राहुल के मुकाबले खड़ा नहीं करती। लेकिन मेरे को यह लगता है, वैसे तो नतीजे दिखा रहे हैं कि अभी भी अमेठी का कोई आदमी अगर कांग्रेस को वोट देता है तो भाई साहब बुरा मत मानना, लेकिन देश के साथ गद्दारी करेगा वो। बीजेपी वालों ने तो अपना वोट काटने के लिए भेजा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, हम राहुल गांधी के खिलाफ है, रोज बड़े बड़े रॉकेट मार रही है, गाली देते रहते हैं एक दूसरे को, राहुल गांधी के खिलाफ है। अगर तुम राहुल गांधी के खिलाफ है तो स्मृति ईरानी को क्यों खड़ा किया? यहां से कुमार के वोट काटने के लिए खड़ा किया है? नहीं, कुमार के वोट काटने के लिए खड़ा किया है। इसका मतलब राहुल गांधी को जिताना चाहते हो बीजेपी वालों। और वहां पे मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कांग्रेस कहती है हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। अगर तुम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो तो कांग्रेस ने वहां पे अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? उसको विड्रॉ करें मेरी वोट काटने के लिए, वहां पे वोट बच जाएंगे मेरी वोट काटने के लिए। नरेंद्र मोदी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, नरेंद्र मोदी बीजेपी और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंडिडेट है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव नतीजे आने से पहले खुद को प्रधानमंत्री मान बैठे हैं। सोनिया ने यह बयान कांग्रेस के प्रत्याशी विनय कुमार पांड्या के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा। वहीं सोनिया गांधी का कहना है कि मोदी की जो सत्ता है ये उनकी एक भूख है। वो समझती है कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आ चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी विधायक गोपाल शेट्टी सहित छह अन्य के खिलाफ कांदिवली इलाके में जमीन हड़पने के मामले में एक विधवा महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता रीटा दादरकर ने कहा था कि कांदिवली में विवादित 464 वर्ग मीटर जमीन उसके पति के नाम पर है, लेकिन गोपाल शेट्टी ने जाली दस्तावेज बनाकर उसे हड़प लिया। नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इंटरव्यू पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मोदी द्वारा प्रियंका गांधी को बेटी जैसे कहने वाले हिस्से को काटे जाने के नाम पर शुरू हुई जुबानी जंग के बाद अब यह सामने आया है कि इंटरव्यू के उस हिस्से को भी काट दिया गया जिसमें मोदी ने सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को अच्छा दोस्त बताया था। अब अहमद पटेल ने मोदी के इस दावे को हास्यास्पद और बेबुनियाद करार दिया है। पटेल ने कहा है कि अगर ये साबित हो जाए कि मोदी मेरे दोस्त है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हिट एंड रन मामले में सलमान खान के खिलाफ सेशंस कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार से शुरू हो गई। पहले दिन की सुनवाई में सरकारी वकील ने मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों को पेश किया। सलमान खान के वकील ने पंचनामे को क्रॉस एग्जामिन किया। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होनी है जिसमें सलमान खान खुद मौजूद रहेंगे जिसमें चश्मदीद सलमान खान को पहचानेंगे। राजकोट में एसीबी ने महानगर पालिका के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को 35,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मनपा में बिजली के उपकरणों के टेंडर पास करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। आज वो कॉरपोरेशन राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दो इंजीनियर थे, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो बिल बनाया था उसका परसेंटेज के लिए करप्शन की मांगनी की हुई थी। तो दोनों इंजीनियर, एक इंजीनियर 2,35,000 और दूसरा जो है वो 1,00,000, टोटल 3,35,000 में करप्शन के केस में आ गए और उसकी बैंक अकाउंट, लॉकर, उसका घर का जो झड़ती है वो भी चालू है। चेन्नई ब्लास्ट के बाद गुजरात में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए हैं। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने एक युवक को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक जामनगर का रहने वाला है और आपराधिक छवि के इस युवक पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अवैध रूप से हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में, आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाए, मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं चुनावी माहौल में बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने अब गुजरात में महिला जासूसी की जांच का मुद्दा छेड़ दिया है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी साफ कर दिया है कि महिला जासूसी मामले की जांच के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। यही नहीं, शिंदे ने मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा, यह भी कहा कि
सीएम बनने पर जासूसी कराने वाला प्रधानमंत्री बनने पर क्या करेगा। वही केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि महिला जासूसी कांड की जांच हुई तो मोदी बेनकाब हो जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अरुण जेटली ने अपील की थी कि कोई भी जज इस केस की जांच ना करे। बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा बनारस पहुंची तो सवालों का बाजार गर्म हो गया। आशंका जताई जाने लगी कि वो बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समर्थन में बनारस आई है, लेकिन जल्द ही प्रीति जिंटा ने अपने बनारस आने की वजह बयां कर दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो सिर्फ भगवान के दर्शन करने यहाँ आई है, न कि किसी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने। हालांकि प्रीति ने बताया कि वो नरेंद्र मोदी की फैन रह चुकी है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने स्टेट में एंड उसी को देख के पर्सनली तो कोई ऐसा वो नहीं है किसी के साथ, पर डेफिनेटली कि जैसे अभी नेता को आप देखते हैं तो उनका काम उनके लिए बात करता है, तो उनका भी काम बहुत अच्छा रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई प्रचार नहीं करती हूँ। आई बिलीव इन सर्टन पीपल यस, बट आई डोंट थिंक उन्हें किसी की भी प्रचार की जरूरत है। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, नेताओं की जुबान भी बहकने लगी है। अबोसिम आजमी द्वारा महिलाओं पर दिए बयान का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अबोसिम आजमी ने अपने नए बयान से फिर विवाद पैदा कर दिया है। यूपी के संत कबीरदास नगर में समाजवादी पार्टी की रैली में पहुंचे अबोसिम आजमी ने यह कहकर नया विवाद पैदा कर दिया है कि जो मुसलमान सपा को वोट नहीं देगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, उसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो। समाजवादी पार्टी के नेता और एसपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को मानो विवादित बयान देने की आदत से पड़ गई है। तभी तो उनके एक बयान पर उठा विवाद शांत होने से पहले वो दूसरा बयान दे डालते हैं। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद अब आजमी ने एसपी को वोट ना देने वाले मुसलमानों को असली मुस्लिम मानने से ही इनकार कर दिया है। जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है, क्या आरएसएस वाला तो नहीं, डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता मैं कहना चाहता हूँ। दरअसल अबू आजमी यूपी के संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी की एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान आजमी ने कह दिया कि जो मुस्लिम एसपी को वोट ना दे समझो कि वो असली मुसलमान ही नहीं है और उनका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है, क्या आरएसएस वाला तो नहीं, डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता मैं कहना चाहता हूँ। अबू आजमी के इस बयान पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव अपने इस बड़बोले सिपह सालार पर कार्रवाई करेंगे या फिर एक बार फिर आजमी साफ बयान को तोड़े मरोड़े जाने की दलील देकर अगली तैयारी में जुट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। चुनावी रन में पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। ऐसे में अपने क्षेत्र से होने के बाद नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए कूच कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा आप नेता मेधा पाटकर ने पार्टी के प्रचार के लिए गुजरात और आंध्र प्रदेश का दौरा किया। मेधा पाटकर अरविंद केजरीवाल के लिए जन समर्थन जुटाने में अब लगी हुई है। बोरीवली वेस्ट के सोडावाला लेन स्थित गणेश धाम में आज साईं बाबा की मूर्ति विराजित की गई। साईं बाबा की इस मनमोहक मूर्ति को छत्र और खास तरह के मुकुट से सजाया गया है। अरुण शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविशंकर ने। समाज की हर नामी गिरामी हस्ती साईं चरणों में मत्था टेकती नजर आती है, चाहे वो शिरडी हो या फिर मुंबई का बोरीवली हो। अरुण शर्मा जी हमारे साथ है। बोरीवली के सोडावाला लेन में साईं जी की मूर्ति स्थापित की गई है, एक मंदिर बनाया गया है, उनसे जानेंगे किस तरह की है मूर्ति, चूंकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं साथ साथ में साईं भक्त भी हैं, साईं जी की महिमा को किस तरह से देखते हैं आप? ये संसार जो भी है वो बाबा का ही है और बाबा जिस आदमी, जैसे कि हम लोग शिरडी जाते हैं, इसी तरह से आज कुछ ट्रस्टी लोगों ने मिलकर सबने ये बोरीवली में बाबा की मूर्ति स्थापित की है और मुझे देख के लग रहा है कि साक्षात साईं बाबा चल के यहाँ पे आ गए हैं और वो विराजमान हुए हैं
और ये सब लोग इन लोगों की इतनी मेहनत का फल है। और गुरुजी आज हमारे बीच में हैं जो जगत के गुरु हैं और जूनाखाड़ा से भी वो रखते हैं। गुरुजी आपसे आना चाहेंगे, समाज में यदि बात की जाए तो सभी लोग अपने अपने हित का काम करते हैं, कोई वास्तु शास्त्र के हिसाब से लगाता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि साई बाबा की मूर्ति को भी अब लोग अपने घर में रखते हैं। कितना शुभ होता है साई जी की मूर्ति एक परिसर में रखना, एक घर में रखना, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी मनों को पूरी तरह से लुभावन कर देने वाले साई बाबा की मूर्ति लगाएगी। अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने जो अपना रूप दिखाया तब अर्जुन देख नहीं पाया था, वैसे साई की महिमा, साई खुद कृष्ण है, इसलिए उनकी महिमा हमारे मुख से बोलना इतना उचित नहीं है जितना साई है। और वो यहाँ जैसी मूर्ति शिरडी में बनी है वैसी मूर्ति यहाँ बनी है, और ये जो मूर्ति है जो घर घर में है उसका जो लोगों को प्रभाव मिलता है वैसे ही साई का प्रभाव यहाँ मिलेगा, इतना मेरा विश्वास है। विश्वास जता रहे पंडित जी, साई संपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी जो समाज के गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वो स्वयं साई की भक्ति करते हुए यहाँ पर आए हैं। लेकिन यदि बात की जाए इस मंदिर की, यदि बात की जाए तो मुंबई के बोरीवली इलाके में एक और शिरडी स्थापित कर दिया गया है, यह कोई अतिशयोक्ति ही होगी। रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज़, मुंबई। और बात करेंगे, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने संकेत दिया है कि जन भावनाओं को देखते हुए सरकार जल्द ही नई टोल नीति ला सकती है, उससे राज्य की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा लोकल बॉडी टैक्स लागू करने पर सरकार फिर से विचार कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में इस मुद्दे पर आंदोलन हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री और राज ठाकरे के बीच लंबी चर्चा भी हुई थी। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम, हर रात 9 बजे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में, आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं, पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति के चरणों में अक्षय तृतीया के मौके पर 11,000 हापुस आमों का चढ़ावा गणेश भक्त मंदार देसाई ने चढ़ावा चढ़ाया। देसाई परिवार हर साल 11,000 हापुस आमों का चढ़ावा गणपति बाप्पा के मंदिर में चढ़ाता है। नवी मुंबई एंटी करप्शन सेल ने 900 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नवी मुंबई तुर्बे में चरस बेचने आए हुए थे। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पकड़े गए आरोपी नालासोपारा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चरस बेचने आए 2 युवकों को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के बारे में पुलिस को पहले से टिप मिल गई थी और यही वजह रही के पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, जिसके बाद उनके पास से लगभग 1 किलो चरस बरामद किए गए हैं।
कैमरा पर्सन विकास माने के साथ मैं गोपाल साहा, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। नासिक से त्र्यंबकेश्वर के बीच बंद रहे रास्ते पर सर्विस रोड बनाने की मांग को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसमें साधु संतों ने भी हिस्सा लिया। नासिक में 2015 होने वाले कुंभ के लिए नासिक त्र्यंबकेश्वर रास्ता चौड़ा किया जा रहा है। रास्ते पर कई आश्रम और मंदिर है, इसलिए इनकी मांग है कि रास्ते में सर्विस रोड बनाया जाए, जिससे भक्तों को पैदल ना जाना पड़े। भारतीय आदिवासी सेनेने नासिक त्र्यंबकेश्वर सारख्या तीर्थाच्या पवित्र भूमीवर जाणाऱ्या महामार्गावरती रस्त्याच्या दुतर्फा सर्व्हिस रोड झाला पाहिजे म्हणून अशी मागणी आपण सरकारकडे, राज्य सरकारकडे, केंद्र सरकारकडे केली आहे। या बाबतीत सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवरती आढावा बैठकही जिल्ह्यात होण्याची। नवी मुंबई के वाशी इलाके से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सऊदी अरब का रियाल दिखाकर लोगों को ठगते थे। शाहिद दाऊद काजी और अब्दुल शेख, इन दोनों आरोपियों को 420 के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस उपनिरीक्षक महेश माने ने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। वाशी पुलिस स्टेशन में हमारा जो एरिया है, इसमें दाऊदेवी मंदिर के पास कोई लोग फॉरेन करेंसी देके कम दाम में देने के लिए आने वाले हैं। ऐसे हमारे पास मोहम्मद हनीफ अब्दुल जुनकिया, इस शख्स ने आके हमें बताया कि वो हमें 3 लाख के बदले में एक बैग भर के, प्लास्टिक का बैग भर के रियाल ये चलन देने वाला है। तो उसने जैसे हमें जानकारी दी तो हमने साथ में पंच लेके, स्टाफ लेके जाके उनको हिरासत में लिया। वो देते हुए लाइव उनको एक अपना गाँवदेवी मंदिर जो है उसके पास उनको हिरासत में लिया। उनके पास से तो एक बैग भरा हुआ था जिसमें 5 रियाल थे और बाकी कागज के बंडल थे। ऐसी चीजें दिखा के लोगों से कम दाम में उनको फॉरेन करेंसी दे के ठगने के आरोप में ये जो दो आरोपी है, शहीद दाऊद काजी उर्फ सुमन, ये रहने वाला है शीलफाटा, और दूसरा है आरोपी। महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में प्रेम संबंध के चलते गांव के कुछ युवकों ने मिलकर लड़के और लड़की की जान ले ली। मृतक युवक का नाम नितिन था। इस युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये किसी लड़की से प्यार कर बैठा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सचिन और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है। शायद गेला माझा मुलगा, त्याच्यामुळे त्याला तिथं बेंच बसण्यामुळे वाद केला। त्यांनी लगे मग ते फक्त सरांत त्याला उचललं, बाहेर आणलं, त्याला हाणलं। चेन्नई में ट्रेन में हुए धमाके के बाद मुंबई के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई से जो ट्रेनें दूसरे राज्यों में जाती है, ऐसे स्टेशनों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुर्ला टर्मिनस पर सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता नित्यानंद शर्मा ने। चेन्नई सेंट्रल रेलवे में हुए बम धमाके के बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है लोकमान्य तिलक टर्मिनस की वो भर चुकी है। यहाँ जो सीनियर्स है वो मुआयना करते हुए कि आखिरकार यहाँ किस प्रकार की सुरक्षा है उसे मॉनिटर करते हुए, एक तरफ जहाँ पुलिस जो है वो जायजा ले रही है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि गुवाहाटी और बेंगलुरु एक्सप्रेस में आज सुबह जो 7:05 पर जो 2 बोगी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 से अधिक लोग जो घायल हुए हैं आप देख सकते हैं। ऐसे में लोकमान्य तिलक टर्मिनस ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ मुंबई से दूसरे राज्यों की ओर जो ट्रेन है वो जाती है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ जो सुरक्षा यंत्रणा है वो काफ़ी मुस्तैद है। अंदर तो एंट्री नहीं दी जा रही है, हमें भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें जो जानकारी हमें मिली है उसके द्वारा बात करें तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है और जो भी व्हीकल्स यहाँ आ रहे हैं उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि आप जिस तरीके से देखा गया ये घटना घटी है, ऐसे में यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी बार बार जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर कोई भी संदेहास्पद वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है तो फौरन जो इसकी इत्तला है वो पुलिस को किए जाए। कुल मिलाकर देखें तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस की बात करें तो जो इंटरनली सुरक्षा है और जो बाहरी सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव बरोट के साथ नित्यानंद शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। जोगेश्वरी में एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई है। वजह बताई जा रही है कि जो बिल्डिंग बन रही थी इसके 14वें माले पर ये बच्चा काम कर रहा था, यानी 14 साल की उम्र में। कहीं ना कहीं ये बाल मजदूरी के खिलाफ है और ये लड़का
14 माले से गिरकर इसकी जान चली गई है और यह घटना जो है जोगेश्वरी की है। श्री धाम बिल्डर की लापरवाही से गई युवक की जान। देश में बाल मजदूरी पर है प्रतिबंध, फिर भी बाल मजदूरों से करवाई जा रही है मजदूरी। खुलेआम उड़ाई जा रही है कानून की धज्जियां। आखिर कब लगेगा बाल मजदूरी पर प्रतिबंध? यह मंजर है जोगेश्वरी पश्चिम स्थित ओशिवरा इलाके का, जहां पर खड़ी है श्री धाम स्प्लेंडर इमारत जो अभी निर्माणाधीन है। जमीन पर पड़ा ये मासूम युवक जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, श्री धाम बिल्डर की लापरवाही के चलते ये मौत के मुंह में समा गया। वैसे देखा जाए तो कानून के मुताबिक बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, लेकिन मुंबई में इस कानून की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं, जिसका नतीजा इस बच्चे की मौत के रूप में सामने आया है। पूरा मामला जोगेश्वरी टीचर्स कॉलोनी का है, जहां पर श्री धाम बिल्डर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके छठे मंजिले पर एक 17 वर्षीय मजदूर काम कर रहा था, लेकिन अचानक पैर फिसलने के कारण ये छठे मंजिले से सीधे जमीन पर आ गिरा और देखते ही देखते कुछ ही पलों में इसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में श्री धाम बिल्डर के मालिक अजय महेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी जगह से आपको बता दें कि जो युवक था, जो मजदूर था, ये काम के दौरान बिल्डिंग को पानी मारने के दौरान यहाँ से उसकी गिरकर मौत हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। आपको बता दें कि भाई जो सुरक्षा के जो उपाय लगाए गए हैं वो पूरी तरह से नाकाबिल है, नाकाम साबित हुए हैं। अधिकारी से बातचीत करते मुगिरकर साहब बताया कि अब तक की प्राइमा फेसी क्या समझ में आया है? नेग्लिजेंस का केस लगता है हमें और हम लोग जो भी लीगल कार्रवाई करेंगे। तो जो सेफ्टी के जो पर्याप्त जो उपाय लगाए गए हैं वो पूरी तरह नाकाबिल सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो जो सेफ्टी के जो उपाय करने चाहिए वो यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ? नहीं आ रहे। जिस तरह से देखा आपने कि भाई पुलिस को भी इस बात के संकेत मिले हैं, पूरे पुलिस ने खुद यहाँ का मुआयना की है, तो निश्चित तौर पर लापरवाही सामने आई है और लगातार पुलिस इस मामले पर नजर बनाई हुई है और पुलिस ने गुनाह दर्ज करने का प्लान बना लिया है और निश्चित तौर पर इस मामले में श्रीधाम बिल्डर पर अपराध दर्ज होगा। कैमरामैन राजीव के साथ मुबारक शेख, लेमन न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पर बदस्तूर जारी रहेगा। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान।